हाय एवरीवन, आज मैं बात कर रही हूँ बेनिफिट ऑफ रम के बारे में। तो मैं यहाँ पर 6 बेनिफिट बताने जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, ज़्यादातर ये दिल्ली और पंजाब के कमेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर्दी के दिनों में रम से क्या बेनिफिट होता है, जो मैं उनको बताऊँ तो वो उसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ आप कितने सेटिस्फाई होते हैं। जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। पहला बेनिफिट है नी पेन। घुटने में बहुत दर्द होता है सर्दी के दिनों में, तो रम इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आपको 20 ml ऑयल लेना है। 20 ml ऑयल में एक ढक्कन, इट मीन्स 8 to 10 ml रम मिलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे और उससे मालिश करना है इसके नी के ऊपर, और काफ़ी अच्छी तरह से रब करना है। होता यह है कि ये रम की गर्मी अंदर चली जाती है, हड्डियों आपके जॉइंट के अंदर चली जाती है और वहाँ पर गर्मी देती है, जिससे आपके लिगामेंट फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और आपको चलने फिरने में आराम होती है। लिगामेंट जो नाजुक हड्डी होती है उसको कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बोन होता है और एक सॉफ्ट बोन होता है। तो सॉफ्ट बोन को ये गर्म कर देता है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और आप 2-3 दिन के ही इसके मालिश से काफ़ी राहत पा लेते हैं, जो दवाई खा के नहीं होता है। ये स्पेशली सर्दी के दिन के लिए बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। सर्दियों में कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी एलोपैथिक मेडिसिन में जाने से अच्छा है ये एक वन टाइम यूज़ में ही काफ़ी हद तक आराम दे देता है। करना ये है आपको कि 75 ml लुकवॉर्म वाटर लेना है। इतना लेना है जिसको आप फूक फूक के पी सकें, लुकवॉर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और उसमें आप 10 ml रम मिलाएंगे और उसको कंज्यूम कर लेना। इससे बहुत आराम मिलता है, किसी भी तरह का कफ हो, कोल्ड हो, जुकाम हो आपको या खांसी हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है इससे। मतलब अगर आप रात को सोने से पहले अगर इसको लेकर सोते हैं आराम से रजाई ओढ़कर, तो सुबह आपको काफ़ी, एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी और सुबह आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, बॉडी काफ़ी हल्का फील करते हैं आप और काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, जो कि आपको कफ सिरप से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होती है जिससे आपको नींद ज़्यादा आने लगती है। और उल्टा जब आप रम पी के सोते हैं, मैं पैग की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने बताया है ये टॉनिक आप लेकर सोते हैं गर्म पानी में एक ढक्कन, तो सुबह काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और काफ़ी जल्दी आराम मिल जाता है। तो नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। ठंड के दिनों में कान में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई बार ठंडी हवा लग जाती है अंदर तक और बहुत ज़्यादा पेन होता है। मोस्टली ये फीमेल्स को और बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसके लिए सिंपल उपाय है 1 to 2 drops। अगर छोटा बच्चा है तो 1 बूंद काफ़ी है, और अगर आप बड़े हैं तो आप 2 से 3 बूंद, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, कान में डाल करके, और स्कार्फ अगर पहनते हैं तो वो, और सोने के टाइम भी कर सकते हैं ये, तो कान में डाल करके आप सो जाइए, तो इससे बहुत आराम मिलेगा। 5 से 10 मिनट में कान अंदर से धीरे धीरे गर्म होने लगती है, रम बहुत गर्म फीलिंग देता है, तो कान जब जैसे ही गर्म होती है वैसे ही दर्द धीरे धीरे जाने लगता है। दूसरी बात, अगर ठंड के दिन में ये प्रॉब्लम भी आती है कि कान में इचिंग बहुत होती है, अंदर खुजली होना शुरू हो जाता है, और आप चाहे ईयरबड डालें चाहे कुछ डालें, वो ठीक नहीं हो रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप 1 drop कान में रम डालते हैं और फिर एक रुई आगे लगा लीजिए, अंदर रम जाता है और धीरे धीरे वो जितनी भी गंदगी या ठंडक की वजह से ये हो रहा है उसको एक जगह कलेक्ट कर देता है, ताकि आप ईयरबड से एक बार उसको साफ करें तो सारा बाहर आ जाएगा और आपको बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है वेट लॉस। रम से वेट लॉस सिर्फ जहाँ पे बहुत ठंडक होती है वहीं पर हो सकता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में, या फिर ठंड के दिनों में दिल्ली में और जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ, या फिर पंजाब में बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ पर, ये वैसे ही जगह काम आएगा। जहाँ थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है राजस्थान के साइड या महाराष्ट्र में, थोड़ी सी मुश्किल है इससे, तो वहाँ के लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। और ये करता ये है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, और ये उनके लिए सही है जो लोग पेस्ट्री खाते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, तो उसके फैट को रिड्यूस कर देगा। जब आप एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं तो उसके फैट को बॉडी में लगने नहीं देता है, तो इस तरह से इसका ये बेनिफिट है एक वेट लॉस का, लेकिन सब लोग नहीं ले सकते इसको। रम का बेनिफिट है उसमें मैं ये बता रही हूँ, लेकिन डायरेक्टली रम ऐसे नहीं लेना है कि आपने सोडा वाटर में ले लिया। 1 glass में नींबू डालेंगे, 1 पूरा नींबू डालेंगे, और मैक्सिमम 30 ml से ऊपर रम नहीं लेंगे आप,
और उसमें कम से कम 150 ml वाटर होनी चाहिए, सोडा नहीं होनी चाहिए, तब वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप फुल पैक 60 ml का लें, उसमें सोडा वाटर मिलाएं या आइस क्यूब डाल करके आप लें, तो वो डेंजरस है, उससे वेट लॉस नहीं हो सकता है, चाहे आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी क्लाइमेट और वेदर में रहते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है, तो स्किन इन्फेक्शन से हटने के लिए रम बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप रम बाथ ले सकते हैं। रम बाथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, तो जो मार्केट में सबसे सस्ता रम आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में 100 ml रम, उसके ऊपर कम से कम 5-6 लीटर वाटर डालेंगे, जब आप पूरा अच्छी तरह से नहा लेते हैं उसके बाद उससे मग से लेकर के या किसी बर्तन से धीरे धीरे पूरे बॉडी पर आपको धीरे धीरे डालना है और इस पानी को पूरा ख़त्म करना है, और इसके बाद आप दूसरा पानी नहीं डालेंगे। एक्चुअली रम जो होता है वो बहुत तरह के इन्फेक्शंस को हटा देता है, कोशिश कीजिएगा सर से डालें ताकि डैंड्रफ प्रॉब्लम भी हट जाए, तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है, डैंड्रफ से भी बचाएगा, इन्फेक्शन से, बॉडी के इन्फेक्शन से बचाएगा, और काफ़ी बेनिफिट होता है, स्किन में बहुत अच्छी ग्लो लेकर के आता है रम, तो इसका बात आप ले सकते हैं ठंड के दिनों में भी और अगर बारिश होती है उस टाइम भी। सिक्स्थ बेनिफिट है बालों के लिए, अगर आपको किसी भी तरह का हेयर इन्फेक्शन है, जैसे बहुत इचिंग होने लगती है ठंड के दिन में, बहुत ज़्यादा रैशेज आ जाते हैं अंदर स्कल्प पे, आपके रैशेज आ जाते हैं, डैंड्रफ्स आ जाते हैं, हेयर फॉल बहुत होने लगता है क्योंकि बाल ढका होता है और अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो जब भी आप हेड वॉश करते हैं तो उससे पहले, नहाने से पहले आप एक छोटी सी कटोरी में रम निकालिए, जितने आपके स्कल्प पे लग पाता है, आप अगर मेल है तो आपको मुश्किल से 10 ml में हो जाएगा, फीमेल है तो मेरे ख्याल से 20 ml लग जाएगी, कॉटन में लीजिए, बाल के हिस्से निकालिए और अंदर सिर्फ जड़ों पर कॉटन से रगड़ना है, और रगड़ने के बाद 1/2 hour छोड़ देना है, और आप देखेंगे कि एक वॉश में ही ये इचिंग बंद हो गई है, तकलीफ बंद हो जाती है, और धीरे धीरे जो डैंड्रफ है वो भी कम हो जाता है, और इससे हेयर ग्रोथ में भी मदद मिलती है, एक्चुअली इससे इन्फेक्शन बहुत तेजी से खत्म होता है, तो सर्दी के दिन में इसे हेयर वॉश जरूर करें। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई नो कि बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप 60 या 100 ml तक रम पी करके बहुत हेल्दी रह सकते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जिनको ये सारे बेनिफिट्स अच्छे लगे हो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये बेनिफिट्स मिल पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिल पाए, और ये बेनिफिट और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने प्लेलिस्ट में ऐड ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे नए इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी अच्छी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए बाय।